आपके साथ मैं हूं रश कुमारी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ बिलासपुर से कर रहे हैं, जहां पर ऋचा चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ इस याचिका को लगाया गया है। समिति के नोटिस का ऋचा चौधरी को जवाब देना था। ऋचा चौधरी ने छानबीन समिति से 7 दिनों की मोहलत मांगी है। मामले की जल्द ही सुनवाई हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ ऋचा चौधरी, आपको बता दें कोर्ट पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले की जल्द ही सुनवाई हो सकती है। ऋचा चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। छानबीन समिति के नोटिस को लेकर ये पूरा मामला बताया जाता है। आपको बता दें कि चौधरी परिवार से जुड़ा हुआ ये जाति का मामला है, जो पिछले 40 सालों से चौधरी परिवार के साथ चलता आ रहा है। शैलेंद्र पाठक संवाददाता बिलासपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ऋचा चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ इस याचिका को दायर किया गया है और 6 दिन का समय मांगा था, और जिस तरह से आज 12 अक्टूबर है, क्या लगता है राहत मिल पाएगी या नहीं? अब ये पूरा मामला क्योंकि अब छानबीन समिति के पास था, छानबीन समिति के पास ऋचा चौधरी को जाना था और वो वहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। जैसा कि अमित चौधरी ने भी उसमें कहा है, ऋचा ने भी कहा है कि कोरोना काल चल रहा है और जो उनके दस्तावेज है वो पंजीयन कार्यालय, चूंकि कोरोना के चलते वहाँ कोरोना। लेकिन बड़ा सवाल ये है शैलेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि जो दस्तावेज हैं वो जहाँ पे जिस कार्यालय का जिक्र ऋचा चौधरी और चौधरी फैमिली के जरिए किया जा रहा है, जब आपने पहली मरतबा दस्तावेज बनवाए होंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दस्तावेज तो उस वक्त कभी आपके पास रहा होगा। अचानक से रातों रात तो दस्तावेज आपने बनवाए नहीं होंगे। अगर रातों रात दस्तावेज बनवाए हैं तो इसलिए शायद वक्त मांगा गया, क्योंकि पिछले 40 सालों से जुड़ा हुआ ये चौधरी परिवार से जाति का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। निश्चित रूप से ये दस्तावेज तो उनके पास होना चाहिए, और अगर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के लिए लगाया था और जाति प्रमाण पत्र हासिल करने किया है तो वो निश्चित रूप से दस्तावेज के साथ ही लगाया होगा। लेकिन जिस तरीके से अब छानबीन समिति तो ओरिजिनल दस्तावेज मांगती है, और उनका ये कहना है कि ओरिजिनल दस्तावेज उनके पास नहीं है, ये जो छानबीन कार्यालय है, पंजीयक कार्यालय जहाँ कोरोना के मरीज मिल गए हैं तो जिसके वजह से वो बंद है, तो वैसे में उनके पास वो ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है, वो वहाँ से निकालेंगे तो उसके बाद उसको जमा करेंगे, तो इसलिए अब उनको समय दिया जाए। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि अगर वहां से निकलवाना ही है तो फिर तो ये मेल के माध्यम से भी बुला सकती हैं या स्पीड पोस्ट भी हो सकता है, तमाम चीजें हैं। फिर इतना 6 दिन का समय मांगने की हालांकि ऋचा चौधरी को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर समय मांगा है तो वो सिर्फ इसलिए कि इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मरवाही उपचुनाव को